हरियाणा के खट्टर सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दम भरती हो, लेकिन सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अम्बाला के तहसील से सामने आया है, जहां DRO दफ्तर में 4,500 रुपए रिश्वत लेते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोरी युवक को रंगे हाथों पकड़ा है और बताया जा रहा है कि ये युवक DRO दफ्तर में कर्मचारी नहीं है, बावजूद इसके काम करवाने के नाम पर लोगों से रिश्वत लिया करता था। ये पकड़ा जी तहसील अम्बाला SRA ब्रांच जो DRO के अंडर होती है, वहाँ से हमने सूचना मिली थी कि सूचना दी थी अश्विनी कुमार शर्मा जो जगाधरी गेट के पास के रहने वाले हैं कि अश्विनी गगन कुमार मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत मांगता है, 500 पैनल ले लिए और 4,500 मेरे रंगे हाथे पकड़ा गया वशिका के नाम से। क्या काम कौन ये क्या काम जो है कि किसे काम किए बजे में वशिका के नकल लेने के लिए। हाँ क्या नाम है इसका और ये किस पोस्ट पे? ये तो वैसे है जी टेम्परेरी पोस्ट पास्ट नहीं है इसकी, वो तहसील में आता है नकलें वगैरह बना बनू के दे देता है। क्यों सर? तो क्या कुछ धाराएं सर इसमें लगाई गई? धारा तो ये 7A के तहत मुकदमा दर्ज किया, 7A करप्शन एक्ट 1988। तो ये कर्मचारी नहीं था और वो वहाँ कर्मचारी नहीं है, ये कच्चा है। ये पहले कभी किया ऐसा काम? मारे तो पहले बार नोटिस में आया जी, पहले पकड़ लिया हम इसको, बाकी पूछताछ चल रही है। नहीं, कर्मचारी था या नहीं? दो साल से वैसे काम कर रहा है। बता दें कि आरोपी युवक का नाम गगन है, जो कि अश्विनी कुमार नाम के व्यक्ति से वसीका के नाम पर 5,000 रुपए मांग रहा था। गगन को 500 रुपए पहले दे दिए गए थे, आज उसे 4,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विजिलेंस अब इस मामले में जांच करेगी ताकि पूछताछ में ये सामने आ सके कि युवक किसके इशारे पर और किसके लिए काम कर रहा था। अम्बाला से अवंत कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।